नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार दो दिन से मैं आपको मोहद्दीनगर के करीमनगर का खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ के स्थानीय लोगों को। हितों में अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे कट जाने से खासकर वहाँ उस जगह के लोगों को तो नुकसान हुआ ही है और सारे जगह को नुकसान हुआ है। इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था कल मोहद्दीनगर CO को, राम मोहन राय जी, और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा मोहद्दीनगर CO को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर अवैध रूप से रात को सैकड़ों पेड़ पौधे को काटकर फेंक दिया गया है और वहाँ पर अब पंचायत भवन जो करीमनगर में बना हुआ है उसको हेमंतपुर ले जाए जाने की बात की जा रही थी। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है और आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पंचायत भवन करीमनगर पर रखा गया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर द वर्कर वॉइस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत श्यामल जी, देवानंद जी उनके साथी, और राम मोहन राय जी और सारे वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और करीमनगर पंचायत के लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य इसी पर निर्भर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं भी गर्मी कितनी बढ़ी, अगर पेड़ पौधे एक एक काट लिए जाएंगे तो क्या असर होगा हमारे सराउंडिंग्स पर, हमारे वातावरण पर क्या उसका असर पड़ेगा। इसको लेकर सब जागरूक हैं, इसलिए सब धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। चलिए हम वह वीडियो दिखाते हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखिए और पेज को हमारे फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। हो सकता है तस्वीर तैयार देर लगा होगा और बाकी पेपर पे लग गया। अब जहाँ तक आपके पंचायत भवन का मामला है या आप लोगों का मामला है, आप लोगों के सुविधा के अनुसार आपका पंचायत भवन होना चाहिए और इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़िएगा तो कहीं ना कहीं ये संभव हो पाएगा। और CO हो चाहे CO हो, वो सब आपका नौकर है, आपके काम के लिए बैठाया हुआ है। अंदर में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो पंचायत के जो सचिव होंगे, वो भी आपके नौकर है। मुखिया जी को 5 साल के लिए आपके काम के लिए आया जाता है, ये नहीं कि 5 साल में आप वोट करेंगे तो मालिक हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर पेड़ जो काटा गया है, पेड़ जो काटा गया उसका हम थोड़ा सा नियम बता देते हैं, क्योंकि हमारे धमोल में भी क्या हुआ था, नगर जो बना है नगर परिषद, तो इन्होंने क्या किया, नगर परिषद का जो कचरा है वो उठा कर आजकल क्या करना उपयोग किया, गाँव गाँव में जहाँ देखते हैं वहाँ हम जगह फेंक देते हैं और एक जगह फेंक कर गया उसको क्या करते थे, कूड़ा लगा देते थे। उससे क्या हुआ, कूड़ा में द्वार लगाया, उससे 2-3 पेड़ जल गया, जल गया तो उसका शिकायत किए सबसे पहले वन विभाग, लोग तो पीछे रह जाएगा वहाँ वन विभाग का ऑफिसर, तो वन विभाग उसी के ऊपर कार्रवाई करेगा जो सरकार के द्वारा नोटिफाई है कि वन है, और नहीं तो सरकारी भूमि पर जितना भी पेड़ लगा हुआ है उसको देख रेख करने के लिए CO का पावर है। और अगर पेड़ कट गया, पेड़ जल गया, पेड़ नुकसान हो गया तो FIR कराना है। FIR नहीं कराना है क्यों, क्योंकि उसका हिस्सा होगा, आप लोग चढ़ जाइएगा उसका गर्दन जब पड़ने लगेगा, कानून रूप से उसका जवाब बनने लगेगा तो उसको FIR करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अभी से एकजुट होना पड़ेगा, इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये सोचिए ना, अभी पेड़ है तभी तो बैठे हुए हैं, आज पेड़ का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके नाम पर चला गया, आपके नाम पर उठ गया, पैसा जोड़ हो गया, जैसे जैसे आप जागरूक होगा वैसे वैसे बहुत सारा कुछ पता चलेगा। तो जो पेड़ का जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं और इसी के लिए हम वहां से आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली में और गर्मी छुट्टी होता है तो कहाँ आते हैं, गाँव में आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे वातावरण है, पेड़ पौधा है, सही बात है कि नहीं। तो अगर यहाँ से पेड़ कटना शुरू हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। आज से पहले आपने सोचा होगा कि आप लोगों को पानी पी करके खरीद करके और पीना पड़ेगा, कभी आपने नहीं सोचा था, अब ये आप खरीद के पी रहे हैं, तो ऐसे पेड़ कटते रहा तो कल को क्या होगा, कल को होगा कि आप नहीं उठेगा, हम जानते हैं, लेकिन जब ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसी इतिहास में हमारा नाम आप उठाने वाला नहीं आएगा और आप
लोगों का नाम तमाशा देखने वाला नीचे आएगा, आप लोगों का नाम तमाशा देखने वाला नीचे आएगा। साथियों पहला ये है, मुखिया जी से हम आग्रह करने आए हैं, आज पंचायत भवन पर धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है। ये पंचायत भवन अगर मुखिया जी यहाँ नहीं है तो मुखिया जी के कानों तक आवाज पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। या आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो आपका भी नाम तमाशा देखने वाला में से आएगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं? जबकि आप कहा गया है हमारे संविधान में 3 लोगों के पास ऑरिजिनल पावर होता है। देश में पंचायत में विधानसभा हो लोकसभा हो सब चुन के जाते हैं, लेकिन मुखिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास एडवांस पावर दिया गया है संविधान के द्वारा। चाहेंगे मूल रूप से तो हम उनसे आग्रह करने आए ही है, लेकिन ये ना भी रहेगा तब भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसे अच्छा है मुखिया जी समर्थन दे, हम लास्ट में यही बोलने आए हैं और आप लोग से भी कहने आए हैं। लोग अभी कुछ लोगों को फोन आना चालू होगा, हो सकता है जो लोग आपका सीओ साहब से मिलने गए होंगे उसमें से कुछ लोग न भी आए होंगे, कुछ लोग इसलिए नहीं भी आए होंगे ये कुछ लोग के संपर्क के लोग अत्याचारी लोगों के संपर्क में होंगे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के सरकार के लाखों करोड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो पर्यावरण के सैकड़ों पेड़ों को वन को काट के और विनाश को पहुंचाने का काम किया है। साथियों इसे ये प्रकार का मदर होता है, प्रशासन यहाँ निरंकुश हो चुका है, सत्ता में तो जनप्रतिनिधि है। जिस प्रकार से आप भाइयों हमारे 15-20 एक मेंबर गए, हमारे कोर कमेटी के लोग गए वहाँ, जब माननीय विधायक जी बुलाए, जब मिले गए, जब विधायक जी कहे हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, भाई कैसे आपको जानकारी नहीं है? आपको ठोस खाने का जानकारी रहता है विधानसभा में, आपके सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाने का जानकारी रहता है, आपके कहाँ कहाँ नल जल के योजना से बिना टोटी लगाए हुए पानी भर रहा है। विधायक जी को याद है ये कई जगह इतना नल लगाए हुए पानी भर जाता है, नुकसान हो रहा है। माननीय विधायक जी आप इतना निर्दय हो गए हैं, आप इतना कठोर हो गए हैं, आप इतना निरंकुश कब से हो गए? ये आपके बगल में 1 किलोमीटर के दूरी पे आपके पीछे सैकड़ों पेड़ करोड़ों की लागत से वन को काट दिया गया, रातों रात को लूट लिया गया और आपको सोच में नहीं मिला। ये कौन सा शिक्षिका रहे हैं? क्या यहाँ के लोग मनबुद्धि है? क्या यहाँ महाशिवनगर के लोग बेवकूफ है? क्या यहाँ के लोग को बुझने नहीं आ रहा है जो आप पहले सिखा रहे हैं? ये जनता वाले समय में आपको जवाब देंगे। कहा गया है इस कदर जुल्म की सीमा रेखा पार न कर, इस कदर जुल्म की सीमा रेखा पार न कर, एक एक जुल्म काटने वाले का हिसाब देना होगा। थोड़ा सा समय का इंतजार तो कर, थोड़ा सा समय का इंतजार तो कर, समय का सिर्फ हम लोग को इंतजार करना है। ये जवाब विधायक जी को भी मिलेगा, ये महाशिवनगर के प्रशासन को भी मिलेगा, ये सिंह साहब को भी मिलेगा। अगर ये मुखिया जी यहाँ के पंचायत के मुखिया जी अगर आप लोग को समर्थन नहीं देते हैं तो ये जवाब माननीय मुखिया जी को भी मिलेगा, ये जवाब माननीय मुखिया जी को भी मिलेगा। आपका मौन रहना इस पंचायत के लिए दुख की बात है मुखिया जी, इसीलिए जवाब दे। अगर कितना आपका है उसका 10% भी आपके आम जनता का नहीं था, लेकिन आपको मौन